नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान अकेडमी में। कुछ आगे बढ़ने से पहले उन हिम्मत हारने वालों को या जिनको लगता है कि काफ़ी दिन हो गए हैं, कुछ नहीं हो रहा है, बहुत निराश हो चुके हैं, उनके लिए कुछ एक छोटे सा दो पंक्ति हैं। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं मेरे दोस्त, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं मेरे दोस्त, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। तो इसीलिए आज जो बात कर रहा हूँ, आपके एमपी पुलिस का फॉर्म भरने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स को चेकलिस्ट कर लो अभी से, ठीक है? बाद में बहुत दिक्कत होगी, परेशानी होगी, भटकोगे, परेशान हो जाओगे, ठीक है? पहला आधार कार्ड वगैरह, उसमें जो करेक्शन कराना, जो आपके एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस जो हुई है उस पर करा लीजिए, देख लीजिए। अपना मोबाइल नंबर वगैरह उसमें ऐड करा लीजिए, ठीक। दूसरा, वोटर आईडी कार्ड अगर है नहीं बना तो थोड़ा देख लो, अगर अभी बन ही रहा, आजकल चल रहा है तो उसमें लगा दो। रोज़गार पंजीयन, अब आपको पता पीएससी के लिए भी रोज़गार पंजीयन कंपलसरी कर दिया गया, जो कि काफ़ी पहले नहीं हुआ करता था, आपके लिए तो बहुत पहले से था ही, करना है। एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में जो भी आप देखते हैं, 10th 12th जो भी ग्रेजुएशन जो भी आप कर रखे हैं, ठीक है, वो कर लीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में आपको कहीं भी ईडब्ल्यू एस सर्टिफिकेट नहीं बनता, कहीं कुछ नहीं बनता, तो ये सब चीज़ें दिक्कतों से दूर रह करके अभी कर लीजिए। खासकर ईडब्ल्यूएस वाले, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो सवर्ण जाति के लोगों को 10% के जो आरक्षण है उसका सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अब लोग कहेंगे हम इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, आप बनवा सकते हो चाहो तो 18 साल के बाद, स्टूडेंट हो तो आप फादर का मदर का लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती, लेकिन अपना भी बन जाता है 30-35 हज़ार का, आप बनवा सकते हैं, अपना भी इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं आपसे बताना चाहता था। दूसरी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि भोपाल में, अचानक मुझे याद आ रहा है, भोपाल में जो हमारा ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, वो जो अभी 20 से शुरू होने वाले हैं, उस पर जो रजिस्ट्रेशन आप जल्द से जल्द करा सकते हैं अब, क्योंकि अब वहाँ पर सीट जो है अब थोड़ा सा कम रह गई यार, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगातार मुझसे मिलने आ ही रहे थे। आज खैर मैं तो अमरपाटन जा रहा हूँ, अमरपाटन बस रास्ते में हूँ, मतलब आप सोचिए नेशनल हाईवे में हूँ और यहाँ से बैठ करके ही वीडियो बनाई जा रही है ना। तो आप सबके लिए ज़रूरी है कि जो लोग भोपाल में आकर के चौहान एकेडमी का, जो आप लोग एमपीएसआई कांस्टेबल का जो ज्वाइन करना चाहते हैं बैच, फिजिकल एकेडमी, क्योंकि हम दोनों साथ साथ कराते हैं, ठीक है। अभी हाल ही मैंने वीडियो पोस्ट की, काफ़ी पुरानी वीडियो है, उदय सर के साथ, ठीक है, मेरे काफ़ी अजीज मित्र हैं, बहुत अच्छे, और मतलब हम, मतलब एक नहीं कहना चाहिए कि बहुत अच्छा दोस्ताना, भाईचारा, ठीक है, अच्छा है, और हम लोग दिल्ली में साथ साथ पढ़ते थे। तो उनकी वीडियो पोस्ट करने का मेरा एक मकसद था कि आप लोगों के अंदर एक चीज़ का, एक उनकी कुछ वीडियो मैंने उसको दोबारा रात में बैठ कर सुन रहा था, तो उनके कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मुझे लगा कि ये वीडियो दोबारा पोस्ट की जाए, जिसके कारण आप जो लोग नहीं देख पाए तो वो भी देख पाएंगे, साथ में एक नई एनर्जी पाएंगे। तो मत सोचिएगा सर ने पुरानी वीडियो क्यों डाल दिया है, ध्यान रखिए कुछ चीज़ें, जो इतिहास होता है कभी भी पुराना नहीं होता है, उसे जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार कुछ ना कुछ नया देखे जाता है ना। तो ऐसे कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जब उस वीडियो को आप सुनेंगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत कितनी रिलायबल चीज़ बात उदय सर ने कही है, जो ही वर्तमान में डीएसपी पद पर चयनित है, वो भी एसआई का दे चुके हैं, ठीक है, फिजिकल वो गए नहीं, ठीक है, क्योंकि उनका डीएसपी का तब तक आ चुका था, लेकिन उन्होंने कहीं कहीं महसूस किया था कि फिजिकल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमारा 9752874608 ये है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए लिमिटेड सीट चल रही है, बता दी आपको। ऑनलाइन क्लासेस, वन मैन आर्मी कोर्स चल रहा है, उस पर आप जुड़ सकते हैं तरीके से, मंडे टू सैटरडे क्लास होती है, संडे को ऑफ होता है उसमें, ठीक, इसमें भी ऐसे रहेगा, बहुत तरीके के साथ सही तरीके से शुरुआत करिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बोला, डॉक्यूमेंट्स रेडी करा लीजिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये नहीं होंगे तब तक आपको बहुत समस्या का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो भोपाल के लिए, बाकी आप लोगों को एड्रेस तो आपको अबाउट में जाके मिल ही जाएगा, यहाँ का भोपाल का ज़्यादा दिक्कत है, तो ये नंबर है, इस नंबर पे आपको कॉल करके या व्हाट्सअप कर लीजिए सर को, ठीक है, तो वो आपको सारी चीज़ें बता देंगे। साथ ही साथ अब मैं रख रहा हूँ, और एक चीज़ और जाते जाते आपसे यही कहना चाहूँगा कि यार घबराना मत कभी, ठीक है, संघर्ष करना है तो करना है, क्योंकि संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही इस संसार को बदलता है, जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। तो मैं हमेशा यही कहूँगा आप लोगों के लिए,
2020 आपके लिए खुशियों से भरा पड़ा है, MPSI, कांस्टेबल, फॉरेस्ट, बहुत सारी वैकेंसीज के लिए, ठीक है। मैं इतना ज़्यादा इनिशिएट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये अंदर की जो खबर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप ये साल भर जो ढीले मिले थे या जिस प्रकार रवैया रहा आपका, अब उस सबसे हट करके करिए, ठीक है। अपनी तैयारी को एकदम जोरदार बनाइए, तरीके से बनाइए। और ऑफलाइन वाले कृपया करके वो लोग बिल्कुल ना, कुछ एकाध दो ऐसे आ गए थे, ठीक है, जिनके अंदर थोड़ा सा नकारात्मकता है कि सर हो पाएगा नहीं हो पाएगा मुझसे, ठीक है। मुझे तो वो चाहिए जो हाँ है, जो कह रहा है कि सर बस मुझे ऑफिशियली की ज़रूरत है, मैं हूँ, बस मुझे शुरू करना है। दूसरी चीज़ वो लोग बिल्कुल ना आए जिनको, जिनके पास एक्सक्यूजेज हैं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी का, साथ ही बड़ा थैंक्स कहता हूँ लेडीज़ों का, जो कल कुछ महिलाएं आई थी, ठीक है। आप लोगों ने मतलब इतना, मतलब बेबी होने के बावजूद भी 6-7 साल 5 साल का बेबी है, लेकिन आप लोग जो SI बनने का जो जज्बा गजब का था आप सबका, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब बाकी गर्ल्स के लिए यही कहना चाहता हूँ कि जो आसपास जो रहने के लिए जो जगह है वो थोड़ा सा कम रह गई है, तो थोड़ा करके थोड़ा जल्दी कर लें, ताकि उसको 20 तारीख तक उसको हम कम्प्लीटली आप ले के लिए बुक कर सकें, क्योंकि फिर उसमें ज़्यादा गर्ल्स नहीं रह पाएंगी, फिर आपको थोड़ा दूर लेना पड़ेगा, दूर मतलब 100-200 मीटर दूर लेना पड़ेगा, थोड़ा महंगा पड़ सकता है। तो अभी हमारे पास जो है 1200-1500 में आपको एक एक सीट मिल जाएगी, बेड मिल जाएगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, गर्ल्स के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो बॉयज़ हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो तरीका है आपको अच्छे से पता है कि भोपाल में अभी जो जितने बच्चे बड़े बड़े, मैं किसी कोचिंग के सेंटर का नाम नहीं लूँगा, ठीक, जिस प्रकार से वहाँ चीज़ें चल रही हैं, मुझे तो नहीं पता था ज़्यादा, लेकिन जिस प्रकार आप लोग आके बता रहे हैं, मेरे यहाँ सिर्फ MP पुलिस का ही प्रिपरेशन कराई जाएगी, दूसरी मतलब उसमें ऐसा नहीं कि मैं SSC वाला बैठा दूँ और आपका PSC वाला बैठा दूँ या आपका उसमें बैठा दूँ, आपका बैंक वाला बैठा दूँ, रेलवे वाला बैठा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, सबकी प्रिपरेशन अलग होती है भैया। PV का सिलेबस अपना, PV का एग्ज़ाम अलग मैटर है भाई, और बाकी SSC, बैंकिंग, PO, ये सब अलग एग्ज़ाम है। आप लोग जहाँ जहाँ भी ऐसी क्लासेस ले रहे हैं तो आप अपने साथ, आप ये मत सोचिए कि आपने पैसा दे दिया तो आप को छोड़ नहीं पा रहे, अरे पैसा दोबारा कमा लोगे भैया, लेकिन ये बार अगर चला गया जीवन तो चला गया, ठीक है। इसलिए आप, मैं खुले काम कह सकता हूं, आप जहां पर्टिकुलर क्लास चलाई जा रही है MPSI, MP पुलिस कांस्टेबल, जहां पर्टिकुलर क्लास उसकी चलाई जाए वहीं एडमिशन ले आप, ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज, वो सारे मैं बच्चों से यही कहना चाहता हूं कि बार बार कि जब एडमिशन लेने के पहले जरूर इतना जरूर ध्यान रखें कि पढ़ा कौन रहा है, ठीक है। मेरे पास जो है, हम लोगों को तीन फैकल्टीज तैयार हुई है, मैं तो खुद दिनेश चौहान, ठीक है, तो आपको पता है कि PV का एग्ज़ाम क्वालिफाइड, ठीक है, और ऑलरेडी पोस्टेड हुए हैं, पोस्टिंग है मेरी। दूसरे हमारे तिवारी सर हैं, ठीक है, वो पहले, इसके पहले असिस्टेंट प्रोफेसर ग्वालियर में थे, उसके बाद भी वो भी अभी इस समय पोस्टिंग है, ठीक है, वो भी PV क्वालिफाइड हैं, और क्या गजब का हिंदी वगैरह पढ़ाते हैं बहुत तरीके से, और मैथ और रीजनिंग और हिंदी उनकी ऐसी है शानदार, पूरे भोपाल में नहीं मिलने वाली आपको जब आप लाएंगे क्लास तक आपको। और तीसरे हैं हमारी, हमारे जो है असिस्टेंट ग्रेड 4 का भी उन्होंने एग्ज़ाम निकाला था आपके PV का, वो पढ़ाएंगे आपको कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर से थे तो वो बहुत। तो ये तीन टीचर हैं जो कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस, मतलब मैं कह रहा हूं घोट के पिला देने वाली बात है। दूसरी चीज, हम जैसे क्लास शुरू होगी, क्लास शुरू होने के 1-2 हफ्ते के बाद हम बच्चे छाटना शुरू करेंगे, छाटना मतलब हम बच्चों के कैटेगरी बनाएंगे ए, ठीक है, बी और सी, ठीक है। ए में वो बच्चे आएंगे जिनका बेसिक क्लियर है, धीरे धीरे हम समझ जाएंगे टेस्ट जब होगा हर हफ्ते, ठीक है, तो उनके एक अलग ग्रुप बन जाएगा। देखेंगे बी जो कि थोड़ा सा कम, उससे कमज़ोर है उसको, और सबसे सी सबसे कमज़ोर, ताकि ये क्यों करेंगे, क्योंकि हम इनके लिए फिर अलग से कुछ प्रावधान कर सकें, इनके लिए कुछ अलग कर सकें और ए ग्रेड के लिए कुछ अलग कर सकें। तो बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि आप सभी के लिए जो शुरुआत कर रहा उसके लिए भी एक ही क्लास होगी, जो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शुरुआत में के दौर पर 1-2 हफ्ते तो आप एक साथ बैठेंगे, और मैं धीरे धीरे हम जो टेस्ट लेंगे टेस्ट से बच्चे ना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे लिए भैया चाहिए मेन है आपका सिलेक्शन, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अगर सब कुछ छोड़ करके भोपाल में बैठा हूं और वहां पर आके आया हूं तो सिलेक्शन तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, इसलिए मुझे वो चाहिए जिनके अंदर जुनून हो कुछ करने का भैया, ठीक है, ऐसे ही मत चले आना प्लीज, ठीक है। बाकी आपको जहाँ क्लास करनी है आप लोग करिएगा, मैं तो आपको बताना था, मेरा सिर्फ एक कर्तव्य था कि क्लास वहाँ करें जो PV की पर्टिकुलर क्लास चलाए, ऐसा नहीं टीचर का काम है कह देना कि हाँ ठीक है जी वो SSC का भी सिलेबस हो। क्या आपने देखा कभी SSC का सिलेबस और PV का सिलेबस, जमीन आसमान का दोनों का सिलेबस फ़र्क होता है। PV का एग्ज़ाम वाकई में भले ही आसान लगता जरूर है, लेकिन जब एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में ना हालत ख़राब हो जाती है भाई साहब, ठीक है 130 तक तो चलो सबके आ जाएंगे, लेकिन हमारा मकसद तो 170 है ना साहब,
आप 200 में 170 के लिए तो आपका एसएससी बैंक पीओ क्लर्क ये सब तो आपका एनटीपीसी ये तो नहीं सिलेबस काम करेगा ना, उसके लिए स्ट्रेटजी अलग होती है और चीज़ें अलग होती हैं। तो बार बार कह रहा हूँ और फिर से कहूँगा कि अपने जीवन के साथ खिलवाड़ मत करना ऐसी जगहों को, अगर भले ही पैसा दे चुका आप छोड़ दीजिए, ठीक है आप छोड़ दीजिएगा, आप मेरे पास आ जाइएगा कहिएगा सर हमने वहाँ फीस जमा कर दी है अभी एक कट्ठा आपको फीस आपकी नहीं दे सक रहे, तो कोई दिक्कत नहीं आप मेरा मंथली फीस दे लीजिएगा जैसे करना। लेकिन ये उनके लिए जिनके अंदर एक जुनून है कि सर बिल्कुल क्रैक करना हर हाल में क्रैक करना, ठीक है तो वो लोग आइएगा। अपना बढ़िया ध्यान रखिए, नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।